नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इजरायली सेना अब ऐसा खूनी हमला करने जा रही है जो गाजा पट्टी में सबसे बड़ी तबाही ला सकता है। इजरायल की सेना ने साफ कह दिया है कि अगर हमास ने इजरायल की शर्तें नहीं मानी तो रफा में भीषण हमला होगा। इजरायल की इस धमकी के बाद से रफा में मौजूद करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों के जो होश है वो उड़ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिन बाद IDF का ऑपरेशन सर्वनाश। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से पूरा मिडल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है। पीएम नेतन्याहू ने 200 दिन के युद्ध के बाद अब गाजा और रफा में ऐसा ऑपरेशन शुरू कर दिया है जो हमास के अंत के बाद ही रुकेगा। हैरानी की बात तो ये है कि अब गाजा युद्ध में 35,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद इसराइल के टॉप कमांडर गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में जंग और तेज करने पर आमादा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इसराइल ने हमास का पूरी तरह से सफाया करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। हमास के अंत का आखिरी अल्टीमेटम। इसराइल ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके पास बंधक समझौता करने का आखिरी मौका है। अगर हमास समझौते पर सहमत नहीं होता है तो फिर उसकी सेना रफा शहर पर हमला कर देगी। इधर मिस्र ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने खूनी हमले शुरू किए तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। इसराइल ने मिस्र पर दबाव डाला है कि वो हमास को तुरंत समझौते के लिए तैयार करे, वरना 20 लाख की आबादी वाले रफा शहर में इसराइल अंधाधुंध हमले शुरू कर देगा। שחרור החטופים הוא בעדיפות ראשונה מבחינתנו, החטופות והחטופים, ואם תהיה אפשרות לעסקה, אנחנו נעשה עסקה. אם תהיה עסקה, אנחנו נעשה פעולה, חד וחלק. אנחנו נעשה כל מה שניתן כדי להחזיר את החטופות והחטופים, מבלי לפגוע בהישגי המלחמה, שחיילים הקריבו את עצמם ונפלו חלל ונפצעו והמילואים וכל העם התגייס, כלומר כל מה שאפשר. 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा युद्ध। इधर हमास के लड़ाके अभी भी इजरायली सेना पर गाजा पट्टी और रफा के इलाके से हमले करने में जुटे हैं। सुरंगों का नेटवर्क अभी भी मौजूद है जहां से हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 200 दिन की जंग के बाद भी हमास अभी तक इसराइल के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहा है। इसके पीछे हैं हमास के वो नेता जो आखिरी सांस तक इसराइल से जंग करने पर आमादा है। हमास के जिंदा 4 टॉप कमांडरों की वजह से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया है जो अभी तक जिंदा है। दूसरे नंबर पर याया सिनवार है जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है, जो सुरंग युद्ध में बेहद माहिर है, वो भी अभी तक जिंदा है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद देइफ है जो हमास आंदोलन की सैन्य शाखा ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिंदा है। और चौथा है हमास का नेता खालिद मिशाल जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख है, जो जिंदा है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना इन टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमास चीफ हानिया कतर में छिपा बैठा है जबकि सिनवार मिश्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाकों में छिपा बैठा है। इसराइल इसलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसराइल दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इसराइल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं, लेकिन रफा में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करना इसराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है क्योंकि सुरंगें ठीक घनी आबादी के नीचे हैं। अगर यहाँ पर इसराइल 3,000 किलो के बम गिराता है तो यहाँ पर हजारों लोग मारे जाएंगे।
जरा इस एनिमेशन से समझिए कि क्यों रफा में इजराइल ऑपरेशन को खूनी युद्ध कहा जा रहा है। गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में इजराइल बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है, जिसकी वजह से 23 लाख की आबादी वाले इस इलाके में भयानक खून खराबा होगा। यहां हमास के लड़ाकों से ज्यादा आम इंसान मारे जाएंगे। अभी एक हफ्ते पहले रफा में हुए इजरायली हवाई हमले में 22 लोग मारे गए थे, जिसमें से 18 बच्चे और महिलाएं थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब रफा में दुनिया वो खूनी मंजर देखने जा रही है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। هو ما ستقوم به إسرائيل من اجتياح مدينة رفح لأن جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في مدينة رفح وبقي ضربة صغيرة فقط। जनवरी के मध्य में प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल ने गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले IDF के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने 19 फरवरी 2024 को IDF के हवाले से खबर दी कि हमास के 12,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध के शुरू होने के बाद के आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे। لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة خارج إطار وطنهم ويجب أن يبقوا في وطنهم ويجب أن لا تتكرر مأساة ونكبة عام 2000। पश्चिम की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष इजरायली अधिकारी ने कहा कि मिस्र पर समझौते के लिए दबाव डालने को तैयार है, लेकिन इजरायल की ओर से रफा में आगे बढ़ने के इरादे गंभीर हैं। इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजरायल हमास द्वारा किसी भी देरी के लिए सहमत नहीं होगा। इजरायल की सेना ने रफा शहर के करीब दर्जनों टैंक और बख्तरबंद वाहन जमा कर दिए हैं। इधर मिस्र ने चेतावनी दी है कि रफा के हमले में मानवीय स्थिति के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हमास ने इससे पहले कहा था कि वो स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी की अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। इस मांग को इजरायल ने खारिज किया क्योंकि हमास नेता याया सिनवार बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक सुरंग नेटवर्क में छिपे हुए हैं। सूत्र ने बताया कि इजरायली सेना के रफा में जाने से पहले हमास के लिए ये आखिरी मौका है। वो या तो डील को मानेंगे या फिर उनको रफा में हमला देखना होगा। इसराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को अपहृत 129 बंधक अब भी कैद में हैं। गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने भागने के बाद यहां शरण दे रखी है। इसराइल काफी समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि वो मिस्र की सीमा से लगे शहर रफा पर जमीनी हमला करेगा, क्योंकि हमास की आखिरी बटालियन यहीं पर छिपी हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या इसराइल रफा में आखिरी हमला करके हमास का पूरी तरह से सफाया कर देगा या फिर रफा पर हमला पूरे मिडल ईस्ट को खूनी जंग में झोंक देगा। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। गाजा का युद्ध अब अमेरिका के लिए बड़ी फांस बन सकता है। अमेरिका के अंदर गाजा को लेकर के एक ऐसी जंग शुरू हो गई है जिसका अंदाजा बाइडेन को भी नहीं था। इस वक्त अमेरिका के कई शहरों में गाजा के नाम पर बड़ी टक्कर शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। गाजा में फटता है, लेकिन उसकी धमक अमेरिका में सुनाई देती है। ना सिर्फ सुनाई देती है बल्कि जमीन पर ऐसी दिखाई देती है। अब एक नए युद्ध के जरिए गाजा में सीज फायर की लड़ाई हो रही है। सीज फायर यानी युद्ध बंद हो, बाइडेन पर प्रेशर हो कि वो इसराइल पर दबाव डालें और नेतन्याहू बमबारी बंद करें। अब इसे लेकर एक बड़ी जंग दुनिया के कई हिस्सों में शुरू हो चुकी है।
कहा जा रहा है कि गाजा का युद्ध अमेरिका में पहुंच चुका है। गाजा को बचाने के लिए अमेरिका में जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग में अमेरिका के विश्वविद्यालय बैटल ग्राउंड बन चुके हैं। अमेरिका के कई शहरों में अलग अलग विश्वविद्यालयों के सैकड़ों स्टूडेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। हथकड़ियां लगाकर सबको हिरासत में लिया जा रहा है। सड़कों और चौराहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस और छात्रों के अलावा यूनिवर्सिटी स्टाफ पर एक्शन लिया जा रहा है। ये अटलांटा है और यहाँ पर छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं। हंगामा और बवाल बहुत ज्यादा है। इनकी डिमांड है कि गाजा युद्ध रुक, पश्चिम एशिया में लगी आग बुझ। This is insane. I just saw police use unnecessary violence for peaceful protesters. I saw police knock students to the ground. Clearly, you see a bunch of arrests going on. People were pepper sprayed. This is a school. Like, why is this happening? Hangama America ke shahron mein jari hai. Aag Israel ki sadkon par bhi lagi hui hai. Ek taraf America ka Ohio hai. Dusri taraf Israel ki rajdhani Tel Aviv hai. Donon taraf tanav phaila hai. Donon taraf fasad jari hai. दोनों तरफ भीड़ अपने देश के पुलिस के साथ जूझ रही है। इनकी डिमांड क्या है, इसे समझने के लिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा पर हुई बमबारी और तबाही को समझिए। गाजा पर गिरे हर बम ने जान ली है। एक बम दो नहीं बल्कि हर बम ने 10-10 जान ली है। तो हमास के कब्जे में फंसे इजरायली नागरिकों के वीडियो ने बेचैनी फैला दी है। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया पूछ रही है कि इजरायल और हमास के बीच सीज फायर कब होगा, गाजा पर बमबारी कब तक जारी रहेगी, हमास के कब्जे से इजरायली नागरिक कब तक रिहा होंगे। अमेरिका में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये युद्ध लड़ रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने के लिए केमिकल स्प्रे कर रही है। कुछ पर टेजर गन चलाई जा रही है, यानी करंट वाले पिस्तौल। लेकिन अमेरिका में बाइडेन के खिलाफ यह विरोध रोकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के बोस्टन नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंप लगाकर गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया तो करीब 100 लोग हिरासत में लिए गए। इनमें ज्यादातर छात्र और छात्राएं ही हैं। कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़कर इस विरोध को दबाने की कोशिश हुई। अमेरिका के इंडियाना में ब्लूमिंगटन नाम का शहर है और यहाँ इंडियाना यूनिवर्सिटी में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एरिजोन स्टेट यूनिवर्सिटी में करीब 70 लोग गिरफ्तार किए गए क्योंकि यहाँ भी तंबू लगाकर गाजा में सीज फायर की मांग की गई। फिलिस्तीन के समर्थन के साथ यहाँ इसराइल के बंधकों की भी बात हो रही है और उनकी रिहाई के लिए भी अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है। We see what's happening in the United States and now in Australia. We keep going and we hope that it'll take off in France too, because universities really have a role to play in what's happening in Palestine and the genocide which is underway. सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी आजादी के साथ अपनी आवाज उठाने के लिए जिस अमेरिका के लोकतंत्र की तारीफ की जाती है, वहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर लाठी डंडे और आंसू गैस सब कुछ छोड़े जा रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में काफी हंगामा हुआ है। इन विश्वविद्यालयों की इमारतों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। इस वजह से कई प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े, पुलिस बुलाई गई और फिर अमेरिका को बदनाम करने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया में छा गई। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ और यहां 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। And when students here in CUNY or in Columbia, wherever they are, they're standing up and opposing the state of Israel, we are saying, very good. It's not anti-Semitic. It should be accepted in the world that when you are doing a crime to the people of Gaza, that it is unjust, and their voices should be accepted, not they should be vilified and accused of anti-Semitism. अब यही हाल कनाडा में भी देखा गया।
यही हाल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस में भी देखा जा रहा है। ये वो देश हैं जिन्होंने गाजा में नॉन स्टॉप बमबारी को लेकर इसराइल का समर्थन किया है, यानी बम रफा कैंप में गिर रहा है और गुस्से के शोले पश्चिमी देशों में भड़के हुए हैं। डिमांड 3 है, गाजा पर बमबारी बंद हो, सीज फायर हो और बंधकों को छुड़ाया जाए। इस वक्त हमास के कब्जे में इसराइल के कई बंधक हैं, जिनको छुड़ाने के लिए इसराइल की सरकार पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। 200 दिनों से भी ज्यादा वक्त से बंधक बने केथ सीगल और ओमरी मेरान का वीडियो हमास ने जारी किया है। יש לי זיכרונות מאוד מאוד יפים מפסח בשנה שעברה שחגגנו כולנו ביחד, ואני מאוד מקווה שתהיה לנו לכולנו הפתעה. משפחתי היקרה, אני מתגעגע לכולכם. אבא, אחי, אחי, אחותי, לישי, אהובתי, רוני ואלמה, בנותיי היקרות. इन दोनों बंधकों की वीडियो के अलावा पहले भी हमास की तरफ से वीडियो आते रहे हैं और इसराइल में इसे लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा है। तेल अवीव में मेन हाईवे को ब्लॉक किया जाना आम बात हो गई है। मुद्दा सिर्फ एक है, बंधकों को वापस लाने की डिमांड तेज हो रही है। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में इसराइल के 1,200 लोगों की मौत हुई थी। करीब 250 इसराइली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इसराइल ने गाजा पर लगातार बमबारी की, जिसमें करीब 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की तादाद ज्यादा है। हजारों लाशें अब भी मलबे में दबी हुई हैं। सवाल है कि गाजा में बचे आखिरी इलाके रफा पर लगातार बमबारी के बीच इसराइल अब क्या चाहता है? אם תהיה עסקה, אנחנו נעשה פעולה, חד וחלק. אנחנו נעשה כל מה שניתן כדי להחזיר את החטופות והחטופים, מבלי לפגוע בהישגי המלחמה, שחיילים הקריבו את עצמם ונפלו חלל ונפצעו והמילואים וכל העם התגייס. כלומר, כל מה שאפשר. गाजा के रफा से आया ये वीडियो देखिए। गाजा का ये रिफ्यूजी कैंप एक बड़ा मैसेज दे रहा है। मौत और खून खराबे के बीच यहाँ बच्चों का कोई खेल चल रहा है। जिस गाजा की आबादी करीब 20 लाख थी, वहाँ 85% लोगों का घर तबाह हो चुका है। लोग अब दक्षिणी गाजा में एक छोटे से हिस्से में रहने को मजबूर है। कोई तंबुओं में रह रहा है तो कोई बमबारी से तैयार हुए खंडहरों के बीच सिर छुपाने को मजबूर है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन पर एक ही रात 34 मिसाइलों से हमला कर दिया। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के 4 पावर प्लांटों को तबाह किया है। पुतिन का यह गुस्सा यूक्रेन की एक मिसाइल को लेकर के भड़का है, जो उसे अमेरिका ने ही सप्लाई की थी। देखिए रिपोर्ट। चौतीस मिसाइल हमलों से यूक्रेन धुआं धुआं। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन के 4 पावर प्लांट हुए तबाह। ये पुतिन का क्रोध है। यूक्रेन से आई बर्बादी की ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि पुतिन किस कदर गुस्से में हैं। इसीलिए पुतिन ने एक बार फिर अपने तोपखाने का मुंह खोल दिया है। पुतिन की मिसाइलें गरज रही हैं। पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचा कर रख दिया है। इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि एक ही रात में पुतिन ने 34 मिसाइलों का रुख यूक्रेन की ओर मोड़ दिया। ये हमला इतना बड़ा था कि यूक्रेन को पहली बार में तो समझ में नहीं आया कि मुकाबला करें या इस हमले से बचें। जब तक यूक्रेन के फौजी कुछ फैसला ले पाते, तब तक मिसाइलों ने यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि उन्होंने रूस की 21 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सिर्फ 13 मिसाइलें ही यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना पाए। हमले के बाद पावर सप्लाई से जुड़ी यूक्रेन की कंपनी डीटीईके ने कहा
कि रूसी हमले में ऊर्जा संयंत्रों में कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण पूर्वी नीप्रा पेट्रोस इलाके में 2 पावर सप्लाई प्लांट प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी लीव और इवानो फ्रैंक्विस इलाकों में भी हमलों की खबर है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में मिसाइल हमलों में एक मनोरोग अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना स्थल की तस्वीरों में अस्पताल के पास एक बड़ा गड्ढा और गलियारों में शरण लेते मरीज दिखाई दे रहे हैं। इलाके के गवर्नर ओले सिनुहुबो ने रूसी हमले की पुष्टि के साथ ही ये भी कहा कि हमले में 53 साल की एक महिला को चोट लगी है, जिसका इलाज जारी है। І ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки. Юкрейн का रूस पर जवाबी हमला। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन एक साथ रूस के दक्षिणी कास्त्रोड्रार इलाके में 60 से अधिक ड्रोनों से हमला कर दिया। कास्त्रोड्रार इलाके के गवर्नर वेनी यामेन कोंद्र तयेव ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने एक तेल रिफाइनरी और बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया, लेकिन कोई हताहत या गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इस बीच खबर ये भी है कि यूक्रेन के हमले में स्लाव यांस्क तेल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि रूस के कास्त्रोड्रार क्षेत्र में इलस्की और स्लाव यांस्क तेल रिफाइनरियों पर हमला किया गया था। यूक्रेनी ड्रोन ने रात को कुश्चेवस्क के सैन्य हवाई क्षेत्र को भी निशाना बनाया, लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को रूस की वायु रक्षा।